यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हो हनुमान जी अपने आप देख लेते हैं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अजय पाठक जी ये बताएं, ये केजरीवाल जी ने जो कह दिया अभी भाषण में कि भाई मोदी जी की गारंटी पूरी कौन करेगा, क्योंकि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री भी बनते हैं तो 5 साल के लिए तो बन नहीं सकते वो, क्योंकि उनका खुद का बनाया हुआ कानून है कि 75 साल के बाद आपको मार्गदर्शन मंडल में जाना है या ऐसा कुछ आना है। ऐसा कुछ है क्या बीजेपी में वैसे, क्योंकि मुझे ये फॉर्मल रूल है या सिर्फ इनफॉर्मली ये इंप्लीमेंट किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अपने सुमित्रा महाजन जी, यशवंत सिन्हा जी, इन सब लोगों के लिए कोई ऐसा रूल है क्या सर बताएं? अजय मेहता जी, अजय पाठक जी माफ कीजिएगा। बजा साहब, आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें रखी, उनके पास अपना क्या विजन है उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना उन्होंने कुछ कहा, या तथा कथित जो घमंडिया गठबंधन है वो क्या करने वाला है वो उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी क्या करने वाली है, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मकसद क्या है। देश पिछले 10 सालों से बीजेपी और बीजेपी के मकसद पे ही चल रहा है, बीजेपी को देख रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी ने जो किया उसको देख रहा है। इस दुनिया में जितनी चीजें आज भारत में हो रही है, शायद ही दुनिया इस प्रॉब्लम से गुजर रही है कि नहीं कर पा रही है। अपने यहाँ एक कहावत है बजा साहब जी, कि जब हम प्रॉब्लम में आए, हमको लगे कि हम प्रॉब्लम में खड़े हो जाएं, तो हम उसकी जगह कंफ्यूजन पैदा करें।